today you have lost Kashmir. Right. That is, that is the point, sir. That is your point. Okay. We won Kashmir, you have lost Kashmir. Yep. How many people will you name as individual terrorists under UAPA in Kashmir? That is what's going to happen. Nothing is going to happen. Sir, sir, what right. Sir, sir. Raju. Professor, please. No, this is not going on record. Nothing will go on record except whoever I permit. Dupendra Yadav, please sit down. You can raise point of order afterwards. Just let him conclude. कहने की बात ये है कि संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति आप एक बिल ऐसा ला रहे हो सुबह 11 बजे और फिर कहने जा रहे हो कि हम उस पर चर्चा करें जब हमें मालूम नहीं कि बिल में लिखित क्या है और ये आप कहते हो कि लोकतंत्र ये इसको हम लोकतंत्र कहते हैं Please. ये लोकतंत्र का डेफिनेशन है कि बिना बताए सुबह 11 बजे आप बिल ले आओ और फिर कहो कि आप इस पर चर्चा करो और तय करो और अच्छी डिबेट होनी चाहिए डिबेट अच्छी कहाँ से हो जब आप हमें बताएंगे ही नहीं कि बिल में क्या रखना है कोई नोटिस नहीं देंगे उस पर चर्चा हम क्या करेंगे आपको मालूम है कि चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास नंबर है आप चर्चा चाहते ही नहीं इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कानून के खिलाफ है लेकिन उस पर उसके बारे में जाना नहीं चाहता आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये डिबेट पॉसिबल कैसे है इस पर हम चर्चा क्या करें और दूसरी बात यह है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आपने कभी किसी से सलाह की वहां के स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह की वहां के मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर के साथ सलाह की हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सलाह की ऑपोजिशन के साथ सलाह की आप एक 370 धारा खत्म करने जा रहे हो सलाह के बिना खत्म करने जा रहे हो प्लीज क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास नंबर है आपके पास आंकड़े हैं हाउस में आंकड़े हैं ये आपका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब यही है आंकड़ों से डेमोक्रेसी चलेगी राइट सबका साथ सबका विकास साथ सबका विश्वास सबका विकास की आप बात करते हो तो ये विश्वास रख रहे हो हमारे प्रति आप ठीक है ये विश्वास रख रहे हो आप हमारे प्रति प्लीज और ये साथ दे रहे हो आप मतलब कि आप अकेले चलोगे क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं और देश को पीछे छोड़ दोगे कल तो आप किसी भी स्टेट के जो बाउंड्रीज हैं आप बदल सकते हो ठीक है किसी भी स्टेट की आप बाउंड्री बदल सकते हो और किसी भी स्टेट को आप डिसोल्यूशन करके उसकी असेंबली को डिसॉल्व करके कोई भी टेरिटरी किसी के साथ भी मिला सकते हो और ये 11 बजे बिल आप ला सकते हो दूसरी बात सर मैं छह मिनट भी नहीं हुए सर दूसरी बात मैं आपसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि सर कई ऐसे कई कई Kapil ji, please conclude. Kapil ji, please sign ready. Sir, I am also a witness. मैं केवल इतना ही संकेत देना चाहता हूँ कि ये अगर आप समझते हो कि ऐतिहासिक दिन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कई ऐसे ऐतिहासिक दिन आगे भी आने वाले हैं जिस तरह से आप नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हो सिटीजन्स की बात कर रहे हो ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे एजेंडे से चले जो संविधान की बुनियाद को खत्म कर दे थैंक यू आज के दिन ये जो आप कदम उठा रहे हो ये संविधान की बुनियाद को खत्म करने जा रहा है और हम आज आपको संकेत देना चाहते हैं आज आपको संकेत देना चाहते हैं कि हम खड़ा होके इस संविधान की रक्षा करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो राइट बहुत बहुत थैंक यू